नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल तरीके से आप सभी को दिखाएंगे कि कॉलम में लगने वाले स्टील यानी कि सरिये को हमें कितनी लंबाई में काटना चाहिए। आपने देखा होगा कि कॉलम बनाने से पहले कुछ इस तरीके से कॉलम का एक स्टील जाल बनाया जाता है, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कॉलम के इस स्टील जाल को कितना लंबा बनाना चाहिए, यानी कि कितना फिट लंबा या फिर कितना मीटर या लंबा होना चाहिए, जिससे कॉलम घर की पूरी लंबाई में लग जाए और इसके साथ साथ स्लैब यानी कि छत के ऊपर ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए कुछ इस तरीके से थोड़ा सा कॉलम का सरिया बाहर भी निकल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो आप देख सकते हैं कि कॉलम बनाने के लिए कॉलम का स्टील यानी कि कॉलम का सरिया कुछ इस तरीके से यहाँ पर काटा जा रहा है। कॉलम के सरिये की कटिंग करने के बाद कॉलम के सरिये को बिल्कुल नीचे कुछ इस तरीके से एल शेप में मोड़ा जाता है। एल शेप में मोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि कॉलम में कुछ इस तरीके से रिंग लगाकर सभी रिंग को कस दिया जाता है, और रिंग को बेंडिंग वायर से बांधने के बाद आप देख सकते हैं कॉलम के लिए एक बड़ा सा स्टील जाल बनकर तैयार होता है। कॉलम का स्टील जाल बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन के स्टील के ऊपर कुछ इस तरीके से कॉलम को रखा जाता है। कॉलम को रखने के बाद फाउंडेशन बनाया जाता है। फाउंडेशन बनाने के बाद प्लिंथ बीम लेवल तक कॉलम को बनाया जाता है। प्लिंथ बीम लेवल तक कॉलम को बनाने के बाद कुछ इस तरीके से प्लिंथ बीम बनाई जाती है, और प्लिंथ बीम बनाने के बाद प्लिंथ बीम से स्लैब की ऊँचाई तक यानी कि स्लैब हमें कितनी ऊँचाई पर रखनी है उस ऊंचाई तक कॉलम को कुछ इस तरीके से बना दिया जाता है, और स्लैब की ऊंचाई तक कॉलम को बनाने के बाद स्लैब की कास्टिंग कर दी जाती है। और स्लैब की कास्टिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्लैब के ऊपर कॉलम का सरिया कुछ इस तरीके से थोड़ा सा बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हमें कॉलम के स्टील की लंबाई कितनी रखनी चाहिए जिससे हमारे कॉलम का स्टील छोटा ना पड़े। तो कॉलम की स्टील की लंबाई हमें कितनी रखनी चाहिए यह जानने के लिए आपको कुछ कैलकुलेशन समझना होगा। तो चलिए हम आपको यह कैलकुलेशन बताते हैं। तो यदि हम कैलकुलेशन की बात करें तो मान लीजिए यह आपकी कॉलम का स्टील है यानी कि कॉलम का सरिया है। तो आप देख सकते हैं कि कॉलम का सरिया बिल्कुल नीचे कुछ इस तरीके से मुड़ा होता है, जिसको हम एल बेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कॉलम का जो स्टील है, सरिया है, उसको हमने यहाँ पर मोड़ रखा है। तो एल बेंड की जो लंबाई होती है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, वो अप्रॉक्स 1 फीट होती है। तो यहाँ पर एल वाले बेंड की जो लंबाई है उसको हम 1 फीट रखते हैं। तो 1 फीट हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गई। एल बेंड के बाद फाउंडेशन की जो गहराई होती है उसके बराबर कॉलम का जो स्टील है, सरिया जो है, वो फाउंडेशन में रहता है। और फाउंडेशन की गहराई के साथ साथ प्लिंथ बीम की जो ऊँचाई होती है वहाँ पर भी कॉलम का सरिया ऐड होता है। तो फाउंडेशन की जो गहराई होती है एक नॉर्मल घर के लिए वो लगभग 4 फीट रखी जाती है, और इसके साथ साथ 2 फीट कुर्सी तल रखा जाता है। तो यदि हम फाउंडेशन और प्लिंथ बीम को ऐड करते हैं तो लगभग 6 फीट सरिया जो है वो फाउंडेशन की गहराई से लेकर प्लिंथ बीम के टॉप तक लगता है। प्लिंथ बीम के बाद आप देख सकते हैं कि हमें स्लैब जिस ऊँचाई पर रखना है उस ऊँचाई तक कॉलम को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। तो प्लिंथ बीम से स्लैब की जो ऊंचाई है वो 10 फीट रखी जाती है। तो प्लिंथ बीम से स्लैब की जो ऊंचाई है वो 10 फीट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 10 फीट की ऊंचाई पर स्लैब ढलाई होने के बाद आप देख सकते हैं कि स्लैब के ऊपर कुछ इस तरीके से थोड़ा सा कॉलम का सरिया बाहर निकला रहता है। तो स्लैब के ऊपर लगभग 2 फीट कॉलम के सरिये को आपको निकालना चाहिए। तो हम यहाँ पर 2 फीट लिख लेते हैं। तो चलिए अब हम इन सभी को जोड़ते हैं और देखते हैं कि टोटल कितना फिट हो गया। तो 1 फीट आपका एल बेंड हो गया, और फाउंडेशन के बॉटम से लेकर प्लिंथ बीम तक की जो ऊंचाई हुई वो 6 फीट हो गई। तो यहाँ पर हम 6 फीट ऐड करते हैं, प्लस प्लिंथ बीम के टॉप से लेकर टोटल स्लैब की ऊंचाई तक 10 फीट हुआ। तो हम यहाँ पर 10 फीट ऐड कर लेते हैं। स्लैब के ऊपर कुछ इस तरीके से जो सरिया बाहर निकलता है इसको कम से कम आपको 2 फीट रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 फीट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 19 फीट आ गया। तो कॉलम के लिए यदि आप सरिये की कटिंग कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको 19 फीट से कम का सरिया नहीं काटना है, यानी कि आपको कॉलम के लिए जो सरिया काटना है वो 19 फीट का काटना है। और यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 19.68 फीट रखा गया है।
सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉलम बनाने से पहले कुछ इस तरीके से जो हम कॉलम स्टील बनाते हैं, इस कॉलम स्टील की पूरी ऊंचाई आपको क्या रखनी चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, धन्यवाद।